गुड डे कैशू आमंड कुकीज। इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% तो होना चाहिए गुड डे में। अगर मैं कैशू और आलमंड देख रहा हूँ तो आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4% होल वीट मारी। एंटायर पॉइंट ऑफ होल वीट इज कि इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल वीट। दिस इज बींग सोल्ड एज न्यूट्री चॉइस हर्ब्स। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आमला, पांच हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चौको पीनट स्प्रेड। ओके, इसमें हेजलनट है ही नहीं। द नेम ऑफ द केचप इज फ्रेश टमेटो केचप। यहाँ पीछे में लिखा है, यहाँ एस्टरिस साइन है। दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम स्लैश ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब फ्रेश टमेटो सिर्फ नेम और नाम रख दो। फ्रेश टमेटो, वाह, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी समय करते हैं। तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे बोलते हैं ना, डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया। हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको।